भारत विकास परिषद विवेकानंद सुजानपुर की ओर से एक बैठक प्रधान संजीव मणि की अध्यक्षता में हुई, जिसमें विशेष रूप में क्षेत्रीय सचिव एडवोकेट निपुण महाजन तथा प्रांतीय संगठन सचिव नवनीत शर्मा विशेष रूप में उपस्थित हुए। इस मौके पर निर्णय लिया गया है कि परिषद की तरफ से सुजानपुर में मेडिकल लेबोरेटरी जल्द ही स्थापित की जाएगी, जिसमें जरूरतमंद के टेस्ट भी बहुत कम शुल्क लेकर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले कम शुल्क पर फिजियोथेरेपी सेंटर भी खोला गया है, जिसका लोग अब तक लाभ उठा रहे हैं और जल्द ही लोगों को लेबोरेटरी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। आज भारत विकास परिषद विवेकानंद की एक महीनावार मीटिंग रखी गई है, जिसमें सभी सदस्यों ने भरपूर साथ दिया, सम्मिलित हुए। तो आज की इस मीटिंग में सर्वप्रथम यही डिसाइड किया गया कि फिजियोथेरेपी सेंटर जो हमारा चल रहा है उसमें अधिक से अधिक लोग लाभ ले सके। सुजानपुर की काफ़ी जनता यहाँ पर आती है, लाभ लेती है, तो बड़े ही नॉमिनल से रेट हैं, बहुत कम रेट में वो आते हैं और बड़ी सुविधा लेते हैं इसकी। हमारा ये आग्रह है शहरवासियों से कि अधिक से अधिक लोग आसपास के गाँव के लोग भी यहाँ पर आएँ और फिजियोथेरेपी लैब में फ़ायदा लें। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक लैब भी हम खोल रहे हैं कि जिसके अंदर बहुत ही नॉमिनल रेट में गरीबों के, लाचार व्यक्तियों के यहाँ पर ब्लड सैंपल और यूरिन टेस्ट वगैरह ये सारे हम करके उनको सुविधा दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये शहर के अंदर और भी कई नए प्रकल्प जो है आने वाले वर्ष में शुरू किए जाएंगे। धन्यवाद।